अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानवेंद्र सिंह और इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 12th की केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन बैंक का सल्यूशन हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो ये पूरा चैप्टर एक से लेके आखिरी चैप्टर तक का है, एक ही वीडियो में पूरा पीडीएफ भी आपको देने जा रहा हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक, वहाँ से आप कर लीजिएगा डाउनलोड। फिलहाल के लिए आपको ये बता दूँ कि पीडीएफ है हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड और उसका पासवर्ड आपको बताया जाएगा वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखें। और हाँ, जो लोग परेशान हैं कि हर वीडियो में अलग अलग पासवर्ड, मतलब हर पीडीएफ में अलग अलग पासवर्ड रहता है, तो जब आप अपने फ़ोन में क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करते हो तो गूगल ड्राइव में जाता है ओपन होने के लिए, तो ओपन होने के जस्ट बाद पूछता है कि पासवर्ड सेव करना है कि नहीं, तो आप सेव पासवर्ड में कर देंगे तो अगली बार खोलेंगे तो पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें और हाँ, वीडियो पूरा देखेंगे तो ही पासवर्ड बताया जाएगा। और कुछ लोग जो कमेंट में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आप हमारे चैनल में दोबारा मत आएँ, धन्यवाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर का पूरा सोल्यूशन हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव हैं और बस एक शब्द में उत्तर। और क्वेश्चन बैंक की बात ये है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हाँ, मैंने सेट पेपर का वीडियो भी अपलोड कर दिया है और यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर आपको सेट पेपर में ही मिल जाएंगे। ये पूरा बनाया गया था किसी कंपनी के द्वारा, तो उसे मैंने बना दिया है आपके लिए छोटा सा, ठीक। विलियन दूसरा पार्ट है हमारी, पूरा सोल्यूशन आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये वाला देख लो, जैसे PPM का संभावित सेट पेपर में दिया गया है, ठीक। वो सेट पेपर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक। तीसरा चैप्टर है हमारा, ये पूरा इसका सोल्यूशन रहा। इस पार्ट से न्यूमेरिकल्स आएंगे इस बात की गारंटी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, पहले भी आता था, ठीक है। माना कि इसका देखो सेट पेपर ए में दिया गया है, मैंने तो पूरा काट के रख दिया, ठीक है। तो कुल मिला के हमें सेट पेपर से भी पढ़ना है, उसको मैंने अपलोड ही कर दिया है, इसके लिए भी ये पूरा बनाए दे रहा हूँ। और वीडियो पूरा देख लो ताकि सब समझ में आ जाए। और ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इन पर आपको डिपेंड नहीं रहना, इनके अलावा भी पढ़ना है क्योंकि इतने आपके लिए काफ़ी नहीं है। 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिया है, इतने में काम होगा? हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए, इसलिए इनको तो घोंटे ही रहो, इनके अलावा भी पढ़ रहो। 4 पार्ट है रासायनिक बलगत की, इसमें देखते हैं कि ये सारे सल्यूशन दिए हुए हैं। यहाँ से भी हमारे बस वही अभिक्रिया की दर आनी है, ये वेग स्थिरांक वगैरह हो गया, ठीक। ये उतना सही नहीं है पर हो गया, आ जाएगा तो क्या कर सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हमारा अभिक्रिया की दर का ये स्थिरांक वगैरह बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अर्धायुकाल समझ लो आना ही आना है 21 के पेपर में, ठीक। और बाकी अगला पार्ट में आ जाते हैं, अध्याय 5, इससे हमारा 1 नंबर के ये क्वेश्चन आना है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए देखो, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये हमारा सेट पेपर में देखो, नीला हमारा मार्कर का भी कलर है। ताप बढ़ाने पर भौतिकी, ये अच्छे क्वेश्चन है। उगता सूरज लाल, ये तो सब फिजिक्स में भी पढ़े हो गया। और यहाँ पर रंग कोलाइडी तंत्र दिया गया, रंग नहीं दिया यार, फिजिक्स में पहुँच गया था। 6वां पार्ट है हमारे पी ब्लॉक के तत्व, यहाँ से भी सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हाँ, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कौन सी चीज़ कब बढ़ती है, कब घटती है, कब क्या होता है, ओजोन क्या है, कोई एक विधि, गुण, उपयोग, ये सब, ठीक। और बहुत ही अच्छा ये बनाया गया है, इसमें सब आपको इकट्ठा मिल जाएगा। पूरे एक से लेके आखिरी चैप्टर तक का मैंने इकट्ठा बना दिया, 13 पार्ट तक का। 7वां पार्ट ये रहा, 8वां पार्ट ये रहा, देख रहे हो कितना थोड़ा थोड़ा है। 7 पार्ट में बस इतना सा पढ़ना है तुम्हें और बाकी तुम्हारा काम हो गया, ठीक। EDTA क्या है, बहुत अच्छा, मतलब क्या कहें, सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं और आपको पढ़ना ही नहीं, में से इनको कंप्लीट ही कर लो, इनके अलावा ही पढ़े रहना। और हाँ, बाकी जो तुम्हारे कोचिंग के नोट्स होंगे उनको भी कंप्लीट रखो। 9 चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, लेकिन 9 चैप्टर बहुत ही उस लेवल माना जाता है, मतलब क्या कहें, ये ऑर्गेनिक में पहुंच चुके हैं हम लोग, इसलिए अच्छे पार्ट माने जाते हैं। 9, 10 हो गया, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये भी देखो, इसमें सब रिएक्शंस ही हमें पढ़नी होती कहती हैं, ठीक है ना। 11 हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया हमारा, ठीक है। ये डायथिल ईथर, कोएथीन उपयोग, फिनॉल, एल्कोहल में अंतर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ये सेट पेपर बी में आपका क्वेश्चन नंबर 9, सेट पेपर अपलोडेड है, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बाकी ये वाला चैप्टर है बहुत ही अच्छा। इसके बाद आता है हमारा ये एमीन वाला पार्ट, यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, छोटा क्वेश्चन आया, देखें, 1 नंबर 1 ही आना है, 2 नंबर के 1 ही आना है, ठीक। हाँ, बस इससे 2 नंबर वाला ही आना है। इसमें आपको रिएक्शन कंप्लीट ही रखने जितनी दी गई, क्योंकि सारी हैं कहाँ से, NCERT से। और एग्ज़ाम कहाँ से आना है, मतलब क्वेश्चन पेपर कहाँ से आना है,
एनसीईआरटी से, तो कंप्लीट रखना पड़ेगा हमें पूरा। आखिरी है हमारा जैव अणु, ये तो देख ही रहे हो, ठीक। बस यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बढ़िया छोटा सा, ठीक। डीएनए आरएनए में अंतर कहाँ यार, नहीं दिख रहा मुझे तो, हो गया यार ऐसा, तो हो ही नहीं सकता अंतर ना दिया हो। एक सेकंड, 4 के बाद 5, ओ है सॉरी, हाँ लास्ट में था, वही सोचो अंतर क्यों नहीं दिया। तो ये 19वां क्वेश्चन है, सेट सी का 3 सेट पेपर हैं। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मानवेन सिंह क्लासेस, और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, और ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, पासवर्ड आपको पता ही चल गया होगा, सामने ब्लूप्रिंट दिया गया है, ठीक। और प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। इंग्लिश मीडियम के लिए भी कुछ यही बन के कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, कुछ दिन ही 2 दिन में कोशिश करूँगा, ठीक है। मुझे टाइम नहीं मिल पाता इसलिए वीडियो लेट हो जाती हैं यार, कैसे समझाऊँ तुम लोगों को, फिर भी पूरी कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियोस बन जाएं। सो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।